अगर दोस्तों आप भारत के वीर जवानों की कहानी सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम बात करेंगे भारत के चौथे परमवीर चक्र विजेता कंपनी हवलदार पीरू सिंह जी के बारे में। उनको किस युद्ध के लिए मिला था परमवीर चक्र? कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह शेखावत का जन्म 20 मई 1918 को गांव रामपुरा बैरी झुंझुनू राजस्थान में हुआ। वह 20 मई 1936 को सिख राजपूताना राइफल्स में भर्ती हुए। 1948 की गर्मियों में जम्मू कश्मीर ऑपरेशन के दौरान पाकिस्तानी सेना व काबिलियों ने संयुक्त रूप से तितवाल सेक्टर में भीषण आक्रमण किया। इस हमले में दुश्मन ने भारतीय सेना को किशन गंगा नदी पर बने अग्रिम मोर्चे छोड़ने पर मजबूर कर दिया। भारतीय हमले 11 जुलाई 1948 को शुरू हुए। यह ऑपरेशन 15 जुलाई तक अच्छी तरह जारी रहा। इस इलाके में दुश्मन एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित था, अंततः आगे बढ़ने के लिए उस जगह पर कब्जा करना बहुत ही आवश्यक था। उसके नजदीक ही दुश्मन ने एक और पहाड़ी पर बहुत ही मजबूत मोर्चाबंदी कर रखी थी। सिख राजपूताना राइफल्स को इन दोनों पहाड़ी मोर्चा पर फिर से कब्जा करने का विशेष काम दिया गया। इस हमले के दौरान पीरू सिंह इस कंपनी की अगुवाई करने वालों में से थे, जिसके आधे से ज्यादा सैनिक दुश्मन की भीषण गोलीबारी में शहीद हो चुके थे। पीरू सिंह दुश्मन की उस मीडियम मशीन गन पोस्ट की तरफ दौड़ पड़े जो उनके साथियों पर मौत बरसा रही थी। दुश्मन के बमों के छरों से पीरू सिंह के कपड़े तार तार हो गए। वह शरीर बहुत सी जगह से बुरी तरह घायल हो गया, पर यह घाव वीर पीरू सिंह के आगे बढ़ने से रोक नहीं सके। वह राजपूताना राइफल्स का जोशीला युद्धोस राजा रामचंद की जय करते लगातार आगे ही बढ़ते रहे। आगे बढ़ते हुए उन्होंने मीडियम मशीन गन से फायर कर रहे दुश्मन सैनिकों को अपनी स्टैंड गन से मार डाला। वह कहर बरपा रही मशीन गन बंकर के सभी दुश्मनों को मारकर उस पोस्ट पर कब्जा कर लिया। तब तक उनके सारे साथी सैनिक या तो घायल होकर या प्राणों का बलिदान कर रास्ते में पीछे ही पड़े रह गए। पहाड़ी से दुश्मन को हटाने की जिम्मेदारी मात्र अकेले पीरू सिंह पर ही रह गई। शरीर से बहुत अधिक खून बहते हुए भी वह दुश्मन की दूसरी मीडियम मशीन गन पोस्ट पर हमला करने को आगे बढ़ते, तभी एक बम ने उनके चेहरे को घायल कर दिया। उनके चेहरे व आंखों से खून टपकने लगा तथा वह लगभग आधे हो गए थे। तब तक उनकी स्टैंड गन की सारी गोलियां भी खत्म हो चुकी थी। फिर भी दुश्मन के जिस बंकर पर उन्होंने कब्जा किया था, उस बंकर से वह बहादुरी से रेंगते हुए बाहर निकले। वह दूसरे बंकर पर बम फेंकने के बाद पीरू सिंह दुश्मन के उस बंकर में कूद गए। वह दो दुश्मन सैनिकों को मात्र स्टैन गन के आगे लगे चाकू से मार गिराया। जैसे ही पीरू सिंह तीसरे बंकर पर हमला करने के लिए बाहर निकले, उनके सिर में एक गोली आकर लगी। फिर भी वह तीसरे बंकर की तरफ बढ़े व उसके मुहाने पर गिरते देखे गए। तभी उस बंकर में एक भयंकर धमाका हुआ, जिससे साबित हो गया कि पीरू सिंह के फेंके बम ने अपना काम कर दिया। परंतु तब तक पीरू सिंह के घाव से बहुत सा खून बह जाने के कारण वो शहीद हो गए। अपनी प्रचंड वीरता, कर्तव्य के प्रति निष्ठा और प्रेरणादायी कार्य के लिए कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह भारत के युद्धकाल के सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से मरणोपरांत सम्मानित किए गए।